हे पागल बाबा कृष्ण भक्ति के लिए सानू पुलिस वाला बन जाए, राहुल भी आकाश को सरकारी जॉब लगे, बाबा रोहित को भी। वाह, सुबह सुबह पागल बाबा मंदिर यहीं पे है। उनकी कहानी ये है कि वो उनको एक बार जरूरत पड़ी थी तो भगवान उनके लिए दौड़े आए थे, तो उन्हीं के नाम से एक मंदिर बनाया गया है। कई लोग आप लोगों को दिखे होंगे जो सफ़ेद वस्त्रों में और सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और सिर्फ मतलब बालों में छोटे छोटे बाल चोटी रखते हैं। ये उनका जो है ये कोई फैशन नहीं है, ये एक्चुअली स्वामी मंदिर की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। ये है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर से आपको इस तरह का एक बोर्ड दिखेगा, यहाँ से के बाद फिर आपको यहाँ से बाबा पागल बाबा मंदिर के लिए ऑटो मिलेंगे। पागल बाबा मंदिर, पागल बाबा मंदिर, हाँ हाँ, कितने ₹120। मंदिर देखिए, ये भी पूरा संगमरमर का ही बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का। इधर ये धर्मशाला भी रुकने के लिए लोगों के लिए बनाई गई है दोनों तरफ में। माता सुदेवी कुंड, कोई तालाब है, शिव मंदिर है। यहाँ पहला मंदिर है जो मुझे भगवान भोले बाबा का दिखाई दिया है यहाँ पे, ये मेरे पीछे है, और अभी तक मुझे शिव मंदिर नहीं दिखाई दिया, सिर्फ राधा और कृष्ण। ये किसी भी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ज़्यादा खूबसूरत। ये बताऊँ तो ये मुझे किसी डिज्नी वर्ल्ड से कम नहीं लग रहा है, इसकी खूबसूरती देख के ना तो मन बाग बाग वास्तव में हो जाते हैं। एक ये बाग एक मन में बाग बाग हो जाता है। ये मंदिर काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, हम थर्ड फ्लोर तक जा सकते हैं इस पर, तो कोई मतलब रोक नहीं जैसे दूसरे मंदिरों में थी। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, देख ऊपर चलने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, अच्छा लगता है यहाँ पे आने में। फिलहाल कैसे कैसे लोग हैं यहाँ के, लिखा है पापा पागल बाबा मेरे दोस्त दिनेश की धार बादो नुकसान पहनी रहे। लोकेशन वक्त और लोकेशन का कोई अंदाज़ा नहीं है, जो उनके मन में है करना वही है, कहीं भी नहीं छोड़ते है। भाई एग्ज़ाम देना 99% ऐसे थोड़ी आएंगे, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और लॉकडाउन में तो 2 साल से वैसे भी 80 से सबके सबके ऊपर ही आ रहे हैं।